ऐसा नहीं, मैं आती जाती रहती हूँ। ऐसी अफवाह फैलाई गई थी कि आप भागते चले गए और ऐसा। अफवाह तो ये भी आती कि मैं रॉकेट में, नासा से रॉकेट में ऊपर चांद की तरफ चली गई। तो क्या मैं चली गई क्या? तुम लोग कुछ भी, तुम्हारी अफवाह पे थोड़ा ना मैं रिएक्ट करती हूँ। एक्चुअली नासा से ऑफर आया मुझे कि मेरे लिए स्पेशल रॉकेट बनाया गया है, रॉकेट में बैठ के मैं चांद पे जा रही हूँ। किसी को आना है? अंतिम आओ, तुमको ले चलती हूँ घुमाने ऊपर। कौन से प्लैनेट पे जाना, कौन से ग्रह पे जाना चाहते हो? नहीं छोटू तो रॉकेट के पीछे लटक के आएगा। उसको कौन से छोटू, कौन से ग्रह में छोड़ देना है उसको? नहीं नहीं ऐसा कुछ नहीं, हम सो हैप्पी। मैं दुबई में रहती हूँ, इधर भी रहती हूँ। या चल मी तो तुम लोग किसी फालतू लोगों को पब्लिसिटी अननेसेसरी दे रहे हो। मेरे नाम से लोग पब्लिसिटी उठा रहे हैं। आपको मैं लग रही हूँ कहीं से? मैं तो यहाँ पे आके नायिका का शूट कर रही हूँ। मैंने आपको बोला ऐसा कुछ भी नहीं है, ऐसा कुछ नहीं। लोग मेरे नाम की पब्लिसिटी उठाते हैं, उनको लगता है कि हम राखी के बारे में अच्छा तो नहीं बोलेंगे, कोई बोलेगा नहीं, कोई अपने गुनाह तो बताएगा नहीं, तो राखी के लिए बुरा बोलेंगे तो मीडिया हमें छापेगी। मीडिया इतनी वैली है, मीडिया को मैंने 20 साल दिया है मेरे बॉलीवुड में। मीडिया इतनी वैली है, उनको मालूम है पॉजिटिव बोलेंगे तो छापेंगे नहीं। राखी के लिए नेगेटिव बोलो, राखी की बुराई करो तो हम छप जाएंगे और हम स्टार बन जाएंगे। अरे बाप रे बाप, सत्य है, सत्य है, यही है। इसके पहले ऐसा होता कि प्रेस कॉन्फ्रेंस छोटू तुम करने दे। अरे छोटू ये मेरा एंगल सही नहीं है। बोलो क्यों क्यों बोलो छोटू? हम दोनों को नासा का ऑफर आया है, हमें रॉकेट चलाना है। अरे तो चांद पे गड्ढे मिले हैं, तुझे मैं वही दफना के आ जाऊंगा। नहीं, मैं किसी के बारे में कुछ नहीं बोलना चाहती। मेरी जिंदगी बहुत बेहतर है और बहुत अच्छी है, मैं बहुत अच्छा ग्रो कर रही हूँ। मैं दुबई में हूँ, दुबई में मुझे ऑफिशियली टिकटॉक ने साइन किया है और टिकटॉक से मैं दुबई में बहुत अच्छा कमा रही हूँ। वर्ल्ड लेवल में मेरे इतने फैंस हैं और टिकटॉक पर मैं बहुत ही बुम बुम कर रही हूँ, बुम बुम शकला कला कला का बुम बुम कर रही हूँ टिकटॉक पे मैं। और आप लोग को पता नहीं है ना, अब आप लोग अरे काम नहीं कर रही दुबई में अभी बहुत ही अच्छी प्रॉपर्टी मिल रही है, मतलब दुबई में इंडिया से सस्ती प्रॉपर्टी मिलती है। तो वहाँ पे मैं टिकटॉक पे जॉब करती हूँ और वहाँ पे मुझे बहुत अच्छी मेरी कमाई होती है। और बस प्रॉपर्टी मैंने ले ली है। डेफिनेटली रोज जिम में जाऊँगी, रोज आप लोग आ जाओ, मेरा काला चेहरा विदाउट मेकअप ले लो। तुम लोग रोज आते हो, मुझे देश भर से इतनी गालियाँ मिलती है कि ये ऐसी क्यों दिखती है। अब आज मैं कितनी सुंदर लग रही हूँ, बताओ लग रही हूँ ना? हाँ, क्योंकि आप लोग शूटिंग पे आए हो। तो देश की जनता को बताना चाहती हूँ कि ये पैप्स है ना, मुझे शूटिंग के बाहर विदाउट मेकअप मिलते हैं। इसलिए अब शूटिंग पे आप जाएंगे तो आप कैसे दिखेंगे? नॉर्मल दिखेंगे ना, जैसे घर में होते। अब स्विमिंग पूल में आप तैरने जाएंगे, साड़ी पहन के तो नहीं तैरेंगे ना? नहीं, साड़ी ऊपर आ जाएगी, नहीं आएगी। तो वैसे स्विमिंग कॉस्ट्यूम स्विमिंग पूल में पहना जाता है, जिम के कपड़े जिम में पहने जाते हैं, शूटिंग पे शूटिंग के कपड़े पहने जाते हैं, है ना गाइस? तो मुझे जज करना बंद करो। या आई डोंट थिंक सो, मेरे कोई हेटर्स है। मेरे हिटर्स हो सकते हैं, मेरे हेटर्स नहीं हो सकते। मैं लोगों को गर्म करती हूँ, ठंडा करना मेरा काम नहीं है। आपको समझ में आया क्या सारा? क्या मर्लिन खोपड़ा और उर्फी ही थोड़ी सारा क्रेडिट ले जाएगी? ये मेरे चेले हैं, मेरी चेलियां हैं ये। मुझे बहुत अच्छा लगा, उर्फी यहाँ फैन लगा के आई थी, दो एक फैन नीचे भी लगा लेता ये बड़ा अच्छा लगा। वेरी इनोवेटिव, वेरी आइकॉनिक उर्फी, स्टाइलिश है, मुझे अच्छा लगता है। रोज एक नया ड्रेस बनाती है।
अगली बार ऐसी लगा आप, आपको नेक्स्ट आएगी साथ आने वाली कुछ पहले रामन जन कर आया था कुछ सोचा ऐसा कुछ नया जो नया लोग फैंसी वो मैं तुम्हें क्यों बताऊं कुछ अगर मैं अलग अलग आऊंगी ना आज का ही मेरा मैं एक्चुअली यहाँ पे आई हूँ मेरा नाइका जो प्रोडक्ट है वो उसको लॉन्च करने आई हूँ एक नया प्रोडक्ट और उसके लिए मैं ऐड कर रही हूँ यहाँ पे आके और जो लोग मेरे बारे में गलत अफवाह फैला रहे उनको धन्यवाद नमस्कार जितना आप मेरा बुरा बोलेंगे उतनी मैं आगे बढ़ूंगी जितना आप मेरा बुरा करेंगे मैं उतनी आगे बढ़ूंगी और आप मुझे देख रहे पहले से बैठक नहीं लग रही मैं अंबानी की बेटी की शादी में भी तो जा रही हूँ मैं सोचो अब रियाना को इस बार नहीं बुला रहे इस बार राखी सावंत को बुला रहे हैं क्या आप लोग खुश नहीं है छोटू इसको ले जाना साथ में रील बना रहे नहीं घर आ यही पड़ेगा सो इस बार मैं आप लोगों को डेफिनेटली बुलाऊंगी कि मैं राधिका अंबानी की शादी में मैं क्या पहनने वाली हूँ है ना फाइनली मैंने गुहार लगाई थी अंबानी जी को उन्होंने मुझे फाइनली बुला लिया मुझे पूरे वर्ल्ड ने कहा कि आपको क्यों नहीं बुलाया आपको क्यों नहीं बुलाया आपको क्यों नहीं बुलाया तो मैंने कहा मैं 5,000 करोड़ लेती हूँ एक परफॉर्मेंस का है रेहाना 1,000 करोड़ में आ गई है वो भी फटे हुए कपड़े पहन के यार दिस इज नॉट गुड मेरा जाने का टाइम हो गया लेकिन है उनका क्या उनका कहना है ओके चलो थैंक यू हो गया ना कुछ और पूछना है नागालैंड के बारे में करण अर्जुन के बारे में पूछना है क्या अजय मार लग रहा है उधर करना देखो अभी उठेगा तो नहीं जाओ राकेश तुम लगेंगे क्या बड़ा किया करण अर्जुन बड़ा हो गया है क्या तू छोटा होता जा रहा है छोटू चले देखिए आप सुनने वाले मेरा गाना भी रिलीज हुआ कितना अच्छा गया वो गाना है कि नहीं और जल्द आओ हाँ जी सलमान खान जी ऊपर तो गोली चलाई वो पकड़े भी गए हैं ना दैट इज वेरी सैड कि मैं बस एक ही हाथ जोड़ के बोलूंगी सलमान भाई को कि वो बालकनी में आके कभी ना खड़े यू नो ईद में और त्योहारों में आते हैं ना तो उनके फैंस के लिए है ना मुझे लगता है कोई भी बड़ी होटल बुक करके वहाँ पर आ सकते हैं जहाँ सिक्योरिटी हो सलमान भाई शाहरुख खान मैं इनको कहूँगी वो जो लोग शाहरुख खान अपनी छत पे चढ़ जाते हैं जाली वाली छत पे सलमान भाई उनकी बैल्कनी में आते तो वो ना आए अभी सबको मालूम है कि हर ईद के दिन वो बैल्कनी में आते हैं भाई तो भाई अभी वो बैल्कनी में मत आओ क्योंकि बैल्कनी के बाहर ही उधर निशाना हो गया ना अरे बाप रे मैं बहुत रोई हूँ बताए मुझे जब पता चला बहुत रोई मैं दुबई में थी तो भाई भाई सिर्फ बालकनी में ना आए बस सबको मालूम है बच्चों बच्चों को मालूम है कि ईद के दिन यू नो और ईद के दिन वो बालकनी में आके खड़े रहते हैं तो एक साल पहले से लोग षड्यंत्र रचाते हैं मुझे लगता है कि हमारे देश के लिए कोहिनूर से ज्यादा सलमान खान जरूरी है इस देश के लिए बिकॉज हमारे लेजेंड है कोहिनूर लेकर आओगे तो क्या मिलेगा क्या मिलेगा कुछ मिलेगा क्या क्या मिलेगा तुम लोग पैसे के भेजे भागते हो नहीं हम सलमान जी हमें सुरक्षित चाहिए मोदी जी को गुहार है कि सलमान जी को जेड क्लास एक्स क्लास वाई क्लास सारी सिक्योरिटी दे आप कंगना को कंगना रनावत को आपने इतनी सिक्योरिटी दी बिना मतलब के उन्हें उनके पीछे तो कोई भी नहीं था तो सलमान खान को मुझे लगता है कि बहुत ही सिक्योरिटी देनी चाहिए वो हमारे बॉलीवुड के लेजेंड भी हैं मेरे भाई भी हैं और एक गरीबों के मसीहा भी है यू नो यहाँ से कल्टीस करूँ क्या चेयर हटाओ क्यों तुझे मेरे पीछे